हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको वो जोकर याद है जो बचपन में हमेशा आपके साथ रहता था? कन्फ्यूजी आई है? नहीं, हम अभी याद दिलाता हूँ। हो गई याददाश्त तरोताजा? तो ये भी याद आ गया होगा कि एक रुपए वाले इस पेस्टिंग गम को उंगली से यूज करने वाले बच्चे जीते थे आम जिंदगी, क्योंकि असली ठाट तो उन बच्चों के होते थे जिनके पास दो रुपए वाला डब्बा होता था, जिसके ढक्कन की स्टिक से वो ऐसे गम लगाते थे मानो प्लास्टिक का डब्बा नहीं सोने का डब्बा यूज कर रहे हो। लेकिन 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 आई बेट आपकी यादों की बारात में आपको ये डब्बा भी नजर आया होगा, बोले तो आपकी बचपन वाली मुस्कान को सफेदी की चमकान देने वाला डब्बा, जो अब भी मिलता तो जरूर है, बस आज इसकी शक्ल कुछ ऐसी रंगीन हो गई है। हालांकि अफसोस, बड़े दुख दर्द पीड़ा के साथ फैक्ट भाई को आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये वो एक चीज है जो शायद आपको कहीं देखने को मिले, क्योंकि पहले ऐसे टेलीफोन ने रोटरी फोन को रिप्लेस किया और फिर टेलीफोन्स को मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स ने। पर अगर आप 90s के इररिप्लेसेबल चीजों को देखने में इंटरेस्टेड हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मस्ती का पिटारा। अगर आप 90s के हो और आपको बिना एक्चुअली में अपनी पॉपुलरिटी के बात किए ये बताना हो कि आप स्कूल में पॉपुलर थे तो आप क्या करोगे? वेल, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर सकते हो। यस, क्योंकि उन दिनों जिस किसी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था हर किसी को उनसे दोस्ती करनी होती थी। वो बात अलग है, इस बॉक्स में रखे हथियार पढ़ाई कम और मस्ती के लिए ज्यादा यूज होते थे, जैसे किसी के बैठने से पहले बेंच के ऊपर राउंडर रखना, राउंडर को सर्किल की बजाय डेस्क पर होल बनाने के लिए यूज करना वगैरह वगैरह। पर एक चीज जो मेरी समझ में आज तक नहीं आई वो ये है, इन सेट स्क्वायर्स का क्या यूज था? क्योंकि मैंने ये सेट स्क्वायर्स सिर्फ तब यूज किए हैं जब रूलर खोने पर लाइन मारने की जरूरत पड़ी। और आपने नंबर 2, वो आ गया, नेटवर्क आया, नहीं अब अभी भी नहीं। और आप ये आगे पीछे वाले डायलॉग बाजी आपके घर में भी हुई होगी, क्योंकि 90s के हर घर में टीवी के लिए A4 एंटीना होता था जो हमेशा आपके फेवरेट शो के वक्त हिल जाता था और फिर उसे जगह पर लाने के लिए छत पर चढ़कर सही करते रहना पड़ता था, वरना टीवी में फेवरेट प्रोग्राम्स नहीं झिलमिलाती लाइंस के नजारे देखने को मिलते थे। लेकिन डिजिटल इंडिया में इन एंटीनास को हटाकर आधी दुनिया ने टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन और डिश टीवी लगवा लिया है, और जो बचे कुछ मिडिल क्लास हैं उन्होंने सीधा अपनी टीवी का कनेक्शन वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। इसीलिए तो पहले जहां हर छत पर एंटीना होता था आज आपको बस छतरियां देखने को मिलती हैं। नंबर 3, खेला। क्या इन नामों ने दिमाग की घंटी बजाई? हाँ, घंटी तो बजनी थी, यही खेल खेल कर तो आप बड़े हुए हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस खेल के लिए आपको चाहिए ही क्या था? एक बुक, एक पेन और 4 दोस्त, बस फिर हो गया गेम शुरू। और चाइल्डहुड गेम्स की बात हो रही है तो हम लूडो प्लस सांप सीढ़ी को कैसे बुला सकते हैं? ये खेल तो हमें इतना पसंद था कि आज प्ले स्टोर पर लूडो गेम के 100 एप्स आपको एक ही चुटकी में मिल जाएंगे। नंबर 4, खेला पार्ट 2, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ये कहावत मोबाइल पर पबजी खेलने वाले बच्चों और 90s में नाइंटेंडो गेम्स खेलने वाले बच्चों के लिए ही लिखी गई है, क्योंकि पबजी भले ही आज दुनिया का 4th highest ग्रॉसिंग मोबाइल गेम हो या भले ही मई 2022 में इस गेम ने 1 बिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया हो, पर 90s किड्स के सबसे बड़े एडवेंचर नाइंटेंडो के आगे ये चाय कम पानी है, क्योंकि 90s से लेकर अब तक अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो गेम कंपनी के टॉप नाम को देखें तो वो नाइंटेंडो का ही है, जिसने अपनी शुरुआत भले ही 1889 में हैंडमेड प्लेइंग कार्ड्स बनाने से शुरू की थी, पर वो आज $85 बिलियन नेट वैल्यू रखने वाला इकलौता गेम मेकिंग प्लेटफॉर्म है। और होना भी चाहिए, दुनिया को सुपर मारियो से लेकर पोकेमॉन गो जैसे गेम्स इसी कंपनी ने तो दिए। नंबर 5, बस्ता। ये है आजकल के बच्चों के बैग्स और ये है 90s के बच्चों का बस्ते, जिसमें वर्कबुक से लेकर टेक्स्ट बुक और नोटबुक से लेकर टिफिन और पानी की बॉटल रखकर हम बड़े शान से क्लास में एंट्री मारते थे, और फिर हमारे कीमती बैग की वजह से हमें पुष्पा वाली चाल चल के अपने डेस्क तक पहुंचना पड़ता था, क्योंकि सीधे सीधे तो ये बैग डेस्क के बीच से तो निकलते नहीं थे, पर जितना ये बैग हमारे लिए कीमती था उससे कई गुना ज्यादा कीमती हमारे लिए इन बैग्स में मौजूद चीजें थी। नंबर 6, स्याही की दवाई। अगर आपने इस रेजर को पेन की इंक मिटाने के लिए यूज किया है और पेन की इंक के साथ साथ आपने पेज को भी मिटाया है, फाड़ा है, तो आप ही हो असली 90s किड, क्योंकि उन दिनों इस रेजर की मार्केट में डिमांड इसीलिए हुआ करती थी। पर आज फैक्ट भाई आपको इसका सच बताएगा, असल में ये रेजर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के लिए बना था। इसका सॉफ्ट पिंक ऑरेंज एंड पतले पेपर्स के ऊपर से पेंसिल के मार्क्स को हटाने के लिए था, क्योंकि इसका ब्लू एंड बहुत ही हार्ड होता था, वो मोटे खुरदरे पेपर से भी पेंसिल के मार्क्स को आसानी से मिटा पाता था। लेकिन एक मिनट, हमने इस रेजर का असली सच भले ही आज जान लिया है, पर ये बात अब भी मिस्ट्री है कि अगर सच में ब्लू एंड पेंसिल मार्क हटाने के लिए ही था तो सॉफ्ट एंड पर पेंसिल और ब्लू एंड हार्ड एंड पर पेन क्यों बना हुआ था। नंबर 7, पेंसिल वाली कलम। जिस तरह हमारे पास पेन इरेजर था उसी तरह हमारे पास पेन पेंसिल भी थी, जो कई अलग अलग वैरायटीज में अवेलेबल थी। कोई ऐसी 10 रुपए में मिलने वाली ये पेंसिल खरीदता था जिसमें
जिसमें पूरा पेन सिर्फ पेंसिल की तेज तर्रार निब से भरा होता था, तो किसी के पास ये वाली पेन पेंसिल होती थी जिसमें पेन की निब खत्म होते ही आप दूसरी निब डाल सकते थे। पर एक मिनट, इससे पहले कि हम किसी और चीज पर जंप करें, एक बार हमें रबर वाली पेंसिल को भी याद करना होगा। वो पेंसिल जिसके एंड में लगा हुआ रबर सिर्फ लिख पाने वाली नटराज के मुकाबले इस पेंसिल को खास बना देता था और इसकी कीमत होती थी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। नंबर 8, एक तीर से 3 निशाने। 90s में कूल लगने के लिए आपने भी इस स्लैप ब्रेसलेट का तो यूज जरूर किया होगा, जो 3-in-1 फायदे देता था। मेरा मतलब, एक तो इस स्लैप ब्रेसलेट को पहनने से आपकी कलाइयां सूनी नहीं रहती थी, दूसरे आप कूल क्राउड का पार्ट बनते थे, और तीसरा आप कभी रूलर घर नहीं भूलते थे। हाँ, वो बात अलग है कि इस स्लैप ब्रेसलेट को कलाइयों में पहनने के लिए हम इतना स्लैप करते थे कि कलाइयां लाल और काली हो जाती थी। नंबर 9, स्याही की दवाई 2.0। एक रेजर से आप क्या खरीदते हो, पेंसिल से की हुई गलतियां मिटाते हो? वेल, 90s के ये रेजर कुछ हटके थे। आई बेट आप में से कईयों को इस पिक्चर को देखने के बाद इन रेजर्स की महक आ गई होगी, क्योंकि ये रेजर्स इसीलिए फेमस थे। नंबर 10, अपोन टूटेगा नहीं। नाम सुनकर ही शायद आप समझ गए होंगे कि मैं नोकिया फोन की बात कर रहा हूँ, पर 90s के द मोस्ट यूज फोन बोले तो नोकिया के जिन फैक्ट्स की बात आज फैक्ट भाई आपको बताने वाला है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यस, क्योंकि नोकिया का इतिहास ही कुछ ऐसा है। ये कंपनी 1865 में शुरू हुई थी, तब ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मिल कंपनी थी, पर बीतते वक्त के साथ लोगों में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ, डिजिटल स्टोरिंग का फंडा तेजी से बढ़ा और नोकिया डूबने के कगार पर आ गया। अब ऐसे में अक्सर यही होता है कि कंपनी खुद को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को छोड़ देती है, पर नोकिया ने अपने एम्प्लॉइज को साथ में रखकर अपने बिजनेस को छोड़ दिया। मतलब अपना बिजनेस पहले केबल बनाने वाली कंपनी में बदल दिया और फिर मोबाइल फोन मेकिंग में, जिसके बाद इन्हें कितनी कामयाबी मिली उसकी कहानी तो 90s के इस फोन से आप जान ही गए हैं। नंबर 11, खेला पार्ट 3। क्या आपने भी बचपन में ये गेम खेला है? ऑफ कोर्स खेला है, पर आप ही बताओ, क्या आज इंटरनेट के जमाने में बच्चों के ऑनलाइन गेम्स और इस गेम का कोई मुकाबला भी है? मतलब एक बार आपने पानी में मौजूद रिंग्स को नीडल्स पर लगाना शुरू किया तो क्या मिनट्स और क्या ही घंटे आप बिना बोर हुए खेल खेलते ही चले जाते थे, राइट? अब हालांकि ये खिलौना आज भी मार्केट में मिलता है, पर ऑनलाइन गेम्स के आगे आज के बच्चे ऐसे लाजवाब गेम्स को घास ही नहीं डालते। नंबर 12, टाइम पास। अगर आपने बचपन में जानबूझकर अपने कैसेट टेप को उलझाकर फिर उसमें मौजूद होल में पेन या पेंसिल लगा के उसे ठीक नहीं किया तो आपने बचपन नहीं जिया। मतलब 90s के उस स्मार्टफोन लेस दुनिया में आपके पास टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम्स, कार्टून्स वगैरह वगैरह कहाँ होते थे? कुछ होता था तो घर घर में क्लासिकल म्यूजिक से लेकर कहानियों वाले कैसेट टेप्स का भंडार। इसीलिए बोर होने पर 90s किड्स अपने घर में पड़ी कैसेट टेप्स चुराते थे, बैग से पेंसिल केस निकालते थे और घर के एक कोने में मम्मी से छुपकर उलझाने सुलझाने वाला फेवरेट टाइम पास शुरू कर देते थे। पर फिर समय के साथ 90s किड्स बड़े हुए और उनके टाइम पास बदल गए। वहीं 1960s के इन्वेंटेड कैसेट टेप्स को भी हिस्ट्री की बाकी चीजों की तरह नए डिवाइसेस की मार झेलनी पड़ी, जिन कैसेट्स के बिना लोग रह नहीं पाते थे। सीडीज और फ्लॉपी डिस्क के आने के बाद लोगों ने उसी कैसेट टेप्स को भुला दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज की लिस्ट में बताए गए कई गेम्स, प्रोडक्ट्स और उनकी यादों को भुला चुके थे, पर फैक भाई ने आपकी याददाश्त को 440 वोल्ट का झटका देकर आज सब याद दिला दिया। और इन चीजों को याद करके आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि वो दिन भी यार क्या दिन थे जब हम इन छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लिया करते थे। तो बाबू मुशाए, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपनी उस शक्ति को फिर से जगाओ और खुशहाल हो जाओ। पर खुशहाली का मंत्र देने वाले फैक्ट भाई को मत भूलना। आज हमारी लिस्ट में मौजूद किस 90s वाली चीज के साथ आपकी एक ऐसी याद जुड़ी हुई है जो आप आज तक नहीं भूले, वो किस्सा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।